करता पत्थर लगा रहे अगरू रे तुम्हें क्या करना था। नन्हे नन्हे बच्चों को पकड़ के लाया है तू, अगर कंस ने कुछ इनका कर दिया तो पूरी हाय तुझे लगी और कलंक तुझे लगेगा। अक्रूर बड़े चिंतित हो गए। कन्हैया बोले जाओ भैया का बात है। बोले अक्रूर काका मैं छोटो सा बच्चा समझ रहे। बोले बच्चा तो समझ रहे तुम वहां पे मोहर और लगा दो। हाँ थोड़े बड़े से कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अक्रूर जी बोले क्यों रोते हो लाला। बोले काका जी तुम तो चले ही जा रहे हो ना भोजन की पूछ रहे ना पानी की, हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है। अक्रूर जी बोले हो गया कंस का उद्धार, इनको घर से निकलते भूख लगी आई, ये क्या मारेंगे कंस को। बोले अब हाल कुछ व्यवस्था करते हैं, जमुना जल में जैसे डुबकी लगाई संजनो तो हजार बाण वाले शेष नाग के शेष सैया के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बोले ये तो मेरे रथ में तुरंत ऊपर आ ऊपर भर ऊपर। तो घंटा भर से नाटक हो रहा, भूख लग रही प्यास लग रही। अक्रूर जी समझ गए ये तो भगवान है। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। अब तो अक्रूर का डर भी खत्म हो गया और कंस से जाकर के कह दिया कि हम दोनों को ले आए, जो करना सो कर लो, अब कोई टेंशन थोड़े ही। मथुरा में विश्राम हुआ। सवेरे मथुरा नगरी की यात्रा भ्रमण की। देखो गांव में जब कोई रैली आती है ना, जैसे बागपुरा में कोई रैली निकले या फिर और किसी गांव में निकले, तो माता छत पर खड़े होकर देखती है कि नहीं। अच्छा जहाँ पर 10 20 50 100 इकट्ठे हो जाएं वहां पर मीठी मीठी बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक बात और माताओं की कि अगर एक कीर्तन किसी को आता हो और 100 को नहीं आता हो तो 100 ऐसे गाएंगे जैसे सभी को याद। हमारे भाई लोग तो वही कीर्तन गा सकते हैं जो जिनको आता है, पर माताओं की इतनी विशेषता, कितना भी कठिन गीत ले लो एक लाइन उठाने की देर है बस, और फिर 100 ऐसे गाएंगे जैसे सभी को याद है, ये बड़ी विशेषता होती है। अब आपस में चर्चा करने लगी। बोले क्यों बहन जी गोरे गोरे जे कौन है छत पे खड़े। बोले जी गोरे गोरे जिन्हें को नाम बल। अच्छा जय ही है बलराम। बोले हाँ इन्हें गुस्सा है सो एक मुष्ट के सुमाने की एक में राम नाम सत है जाए। और इनके पीछे पीछे जे कारे 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 कारे। बोले जय तो गजब गजब। हाँ इन्हीं को नाम कृष्ण है, ये देखवे में छोटे लगे लेकिन पेट में डेढ़ हाथ की दाढ़ी है। हाँ बोले हाँ इन्होंने पूतना का सर बका सर बेमा सर इन्हीं ने मारे सब। बोले सभी तो मारे। तब तक एक बोली बहन मैंने तो कछु और ही सुनी है। वो जरा गंभीर इमोशनल हो गई। तब तक तीसरी बोली कहाँ सुनी तुमने वो और ज्यादा हो गई। तब तक चौथी तो और ही। अच्छा आंसू तो आंखों में रखे रहते माताओं का। हाँ कई हमसे मिलने आते महाराज पता चले एक बात में आंसू भल और दूसरी बात में हालक हंसना सुन। ये भगवान अभी तो रो रही थी। बोले महाराज जानता है महाराज। अच्छा आंसू तो ऐसे रखे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा स्टॉक है। अच्छा पुरुष नहीं रोते। अगर पुरुषों के ऊपर कितना भी बड़ा दुख आ जाए तो ऐसे चुपचाप। हमने कई जगह देखा बड़ी बड़ी घटना घट गई लेकिन पुरुष इतने कठोर होते हैं ऐसे कितनी बड़ी घटना घटे ऐसे चुपचाप। और माता देखो हे भगवान। हाँ अच्छा ये तो हो गया जब का जब भारी घटना। अगर वैसे भी अगर साधु संत ब्राह्मणों से मिलने के लिए अगर कोई हमारे पास महाराज हम बहुत दुखी आजकल हमारे वो का मतलब आप समझ गए नहीं समझी वो ये नहीं आए समझ ये माने पति। मेरा कहने का मतलब बड़ा सरल हृदय होता है माताओं का। हाँ इसलिए वो आपस में बोली मैंने तो कुछ और ही सुनी। बोले कहाँ सुनी तुमने। बोले मैंने सुनी कि दुष्ट कंस ने दोनों को मारने के लिए बुलाया है। तब तक पांचवी तो रोने ही लगी। बोले हे दुर्गा मैया हे काली मैया हे संतोषी मैया। ये माताओं की स्पेशल मैया होती है स्पेशल वाली। हे रतनगढ़ वाली मैया हमने जो कछु भी विरत करो हुए इन दोनों को मिल जाए दुष्ट कंस इनको बाल बा को ना कर सके। वो जो ताकत दुआ में होती है वो दवा में नहीं होती। दवा में दुआ में बहुत। अपने अपने सदकर्मों को समर्पित कर रही है। दध्यक्ष तई शोध पात्र सगंध जब उपाय नहीं दही अक्षत फूल की वर्षा करने लगी। अब कृष्ण की मंडली में जो सका चले तो बड़ी जोर की शरम लगी।
सका बोले लाला कन्हैया हमें तो बड़ी जोर की शर्म लग रही है। बोले काय बात की? बोले हमें का पता होती कि मथुरा में जाके ऐसे फूल बरसेंगे, अगर हमें पता होती तो हम भी अपनी नई नई बगल बंदी पहन के आते। अब जो बगल बंदी पहन के हम गैया चरावे जाए वही पहन के हम इतने आ गए। अब तो हमें बड़ी जोर की शर्म लग रही है। तो बोले का चाहो? बोले तो यहाँ चाहे मामा जी से कह करके दो चार दिन के लिए कपड़े उधार ले लो, जब जाएंगे तो कपड़े वापस कर देंगे। कन्हैया मन में सोचना, भोले भाले सखा मन में सोचना होंगे, मामा कहां तो घी बूरा की थाली लेके बैठा होगा, आओ भांजे। मैंने क्या पता मामा तो मानने के लिए खड़ा है। भोले भाले सखा, बोले चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था करते तो आगे चले। तो एक धोबी लिखा है रजकम, रजक माने धोबी, श्लोक है ना, रजकम कंचिदायंतम, ये बढ़िया इसमें चमकीले चमकीले वस्त्र कंस के सुखा रखे थे। तो ऊंचा मामा जी राम राम। अच्छा मामा जी के गांव के तो सब मामा ही होते हैं। हाँ मामा राम राम। बोले राम राम। बोले हम कंस के खास भांजे, कृष्ण मारो नाम है, हमारे सकान पे कपड़ा नहीं है, तुमने बढ़िया बढ़िया सुखा रखे कपड़े दे दो। सो क्रोध में भर के बोला, बेजर की रोटी खाई, पोखरा का पानी पिया, सारे जीवन गैया चलाए। और ख्वाब देख तो महाराज कंस के वस्त्र पहनने का शुरू बाद ही गाली से करी। अब देखो कन्हैया को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। बलराम जी बोले, सुन कन्हैया कपड़ा मिले चाहे ना मिले, पहले तो तुम जाको देखो। बोले दाऊ भैया तुम शांत रहो, यहाँ के लोगों की भाषा ही कुछ ऐसी है। हाँ बोले हम तो प्यार से बोल रहे, हम कंस के खास भांजे, मामा से कह के सेवा निवृत्त करवा देंगे, समझे, तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। बोले मैं सब जानता हूँ मामा ने किसके लिए बुलाया है, मानने के लिए बुलाया है, और ज्यादा से ज्यादा दो घंटे के मेहमान हो बस, और ज्यादा मुंह चलाओगे तो जो काम मामा करेगा वो मैं ही कर दूंगा। बड़े आए मामा के भांजे, ये वो तो मानने के लिए दौड़ा। और जैसे वो मानने के लिए दौड़ा तो एक पांच साल का नन्ना सा सखा कृष्ण की उंगली पकड़ के चल रहा था, जोर से दबा दिया। बोले कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, तू तो पूतना बारे हाथ न रखा, और जो कछुए सो मैं हूं। ये नन्हे सखा को देख करके कृष्ण बोले, हे ब्रजवासियो, ये तुम्हारा प्यार ही मुझे तुम्हारा दास बना देता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ। और जैसे ही वो धोबी आया और मेरे कन्हैया ने ऐसा दिया कि श्री ही धड़ से अलग हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। अब तो वहां पर जितने धोबी थे सब पोटला छोड़ छोड़ के भागे। भागो भैया पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया, साहब भाग गए। बोले बस आप पहनो कपड़ा, कैसे पहनना मन पसंद, पूरा शोरूम खुल गया। ये पहना के ये पहना के ये पहना के ये पहना के ये पहना, इतने कपड़ा। अब ढीले ढाले कपड़ा है, सो पता नहीं कौन नीचे का कौन ऊपर का, जो नीचे का वो ऊपर से पहना, जो ऊपर का वो नीचे से। बोले कपड़ा मिल जाए तो पहनने को भी सबूर नहीं, जैसे तैसे कपड़े पहनाए तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या? कि साढ़े तीन हाथ के हैं सखा और साढ़े पांच हाथ के हैं बस्त। जब सड़क पर चलने से बिना झाड़ू के सड़क सखवाओ। बोले लाल आप तो जोर की शर्म लग रही है, काय बात की? बोले जी कपड़ा तो मगेनू से लगे, काऊ के मान के लायक, इससे तो पहले वाले बढ़िया थे, तो काय चाहो? बोले हम तो चाहे कि दर्जी से कपड़ा फिटिंग के हो जाए। बोले चिंता मत करो। तो लिखा है मथुरा में एक दर्जी था, दर्जी ने स्वरूप के अनुरूप बनाए, इसके बाद माली ने माला पहनाई, और एक बड़ी विचित्र स्त्री जा रही है जिसका नाम है कुबजा, और इसने सुंदर चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद में जैसे ही कुबजा जाने लगी तो भगवान ने हाथ पकड़ करके कहा कि सुंदरी जी, खाली चंदन लगाने से काम नहीं चलेगा, एक थोड़ी सी उंगली लगाई और एक झटका ऐसा दिया कि तीनों टेढ़ा सी, वो तो परम सुंदरी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। रूप पेशन माधुर्य हस्तालाप अभीक्षत ही, और जाकर के जो शिव धनुष था उसको कृष्ण ने तोड़ दिया। करेण बामेन सलील मद्रतम सज्जन चक्रता निमिषण पश्चताम। एक दूत दौड़ा दौड़ा गया, महाराज गजब हो गया, क्यों बनाया उस काले को, क्या हुआ? उसने तुम्हारे धोबी को मार दिया, माली से माला पहन ली, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए। अच्छा वो तुम्हारी दासी, क्या हुआ दासी को? बोले दासी दासी नहीं रही, वो तो परम सुंदरी हो गई। परम सुंदरी हो गई? क्या जादू वादू भी जानता है क्या? बोले जादू जानता है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पे जादू जरूर है। पूरे मथुरा में हलचल मच गई, कोवलिया पिंडहाती का भी भगवान ने उद्धार किया, और आज 50
लोगों की सभा में, सैकड़ों लोगों की सभा में कृष्ण बलराम गए। यहाँ पर चाणूर मुष्टिक सल तोसल बड़े मल्ल पहलवान खड़े हैं। यहाँ पर भगवान जहाँ जाते हैं अलग अलग रूप में इनका भगवान का दर्शन होता है। जाके रही भावना सल का उद्धार करके भगवान 50 सिद्धियों पर ऐसी छलांग मारी और कंस के केसों को पकड़ लिया। चाणूर मुष्टिक सल तोसल कहा मर गए सब? बोले मामा वो सब वहीं पहुंच गए जहां पर तुम्हारा जाना बाकी है। बस कंस घबराने लगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोले बस बड़बड़ 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 कर कर करने से बातें करने से कोई लाभ नहीं है। तेरे सामने केवल एक मार्ग है कि टकटकी लगा करके केवल केवल मुझे देखो, क्योंकि मुझे देखते देखते जिसके प्राण निकल जाए उससे बड़ा भाग्यशाली प्राणी कोई नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते कि कंस ने अपनी दुर्गुणी वृत्ति को त्यागा, निर्गुणी वृत्ति को बनाया और तब तक ही लगा करके जो कृष्ण को देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का दर्शन हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। कंस के प्राण तो ऊपर ही निकल गए थे लेकिन झूठे दिखाने के लिए लीला तो कर नहीं है, सो एक धक्का लगा दिया तो 50 सिद्धियों से ढकता वो सभा भवन मध्य में आकर के गिर गया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया कि कंस मर गया। एक बोले नहीं मरा, कुछ बोले मर गया। बोले कन्फर्म कर लो मरा कि नहीं मरा। पलक भी गिरती नहीं है, धड़कन भी बंद है। लोग बोले ये तो मर गया। फिर लोग हंसे ही नहीं बल्कि ठहाका मार के नचने लगे। आपकी तरह चुप नहीं बैठे थे। एक बात कहूं, आप लोग तो ऐसे बैठे, बताएं कैसे बैठे? आप लोग तो ऐसे बैठे, पता कैसे बैठे? आपके चेहरे को देख के हमको ऐसा लग रहा है आप लोग तो ऐसा मुंह बना के बैठे जैसे कंस के मरने से बहुत ही दुख है। तो ताली बजाओ ना। कंस के मरने से खुशी है कि दुख है? दुख है तो और जोर से बजाओ ना पीछे तक। बोले कंस मर गए भगवान की, पर करेंगे मैया भज कृष्ण हरि।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.